तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि कुछ बॉन्साई मटेरियल जो हम ट्रेन कर रहे थे और वो पीपल के वैरायटी में, जैसे कि यही वाला है, ये सुंदर सा है। खैर, इसको हम काफ़ी अलग तरह से ट्रेन कर रहे थे, लेकिन अब इसका ग्रोथ ही काफ़ी अलग हो गया। पहले हम इसको सीधा ग्रो कर रहे थे और यहाँ पे काफ़ी सारा ब्रांचेज लेके चल रहे थे। फर्स्ट और ओके ठीक है, ये टूट गया, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड करके ऐसे ब्रांच लेके चल रहे थे। लेकिन ये क्या हुआ कि हम उसको जहाँ पे उगा रहे थे उसका वीडियो अटैच करेंगे हम, ये केवल केवल बालू में उग रहा था, मतलब अपने आप ही उग गया था इस तरह से, ये इसको उगने छोड़ दिए थे। लेकिन अब ये जो हुआ है पूरा मैसिव उग रहा है, देख रहे हैं कितना खूबसूरत पत्ता है इसका। इसका ट्रंक लाइन भी काफ़ी अच्छा है, ट्रंक लाइन इसका काफ़ी अच्छा है मतलब। और उसी के साथ साथ ये दो गोभी था, लेकिन ये दोनों तो मर गया फिर शायद, देखते हैं, बरसात तक इंतज़ार कर ही सकते हैं हम। और फिर एक और ये जो मेरे पास है, इसको तो हम, ये मेरे पास काफ़ी पुराना है, देख इसका ट्रंक देख के आपको पता चल रहा होगा कि कितना पुराना है। ये ट्रंक लाइन एकदम ओल्ड पूरा लग रहा है लुक, और इसको किस कंटेनर में उगा रहे थे। अब तो ये यहाँ पे हम 3-4 बार इसको मार चुके हैं इस पेड़ को से, ये पहली बार उग रहा था तो ये सीधे जा रहा था यहाँ पे, तो ये चीज़ को तोड़ करके हम हटाएं, यहाँ से मर गया, फिर ये इधर से एक और ब्रांच उगाने लगा तो सीधा था, तो फिर ये भी अब ड्राई बैक हो गया बस पानी नहीं देने के कारण। और अब ये उग रहा था, यहाँ जाके ये भी 3 ब्रांच बनाए इस बार, काम कर रहा है, काफ़ी सुंदर सा कनोपी टाइप बनाएंगे इसको, लेकिन ये भी अब सूख गया। अभी हम क्या देख रहे हैं कि ये इस जगह से, ये जो दिख रहा है आपको, ये नॉड निकाल रहा है यहाँ से, फिर ये नीचे भी है, मतलब काफ़ी सारा नॉड निकाल रहा है। तो इसको हम ये देखिए यहाँ सुंदर सा 3-4 जगह से, तो इसको अभी हम ऐसे ही उगने देंगे और फिर बाद में देखेंगे कि आखिर क्या इसका करना है। फिर एक और ये पीपल वाला है मेरे पास, ये हमको थोड़ा ठीक लगता है क्योंकि जैसे ये नीचे से इस तरह से उग रहा है और इधर जाके ये कर्व किए थे हम, थोड़ा इसको थोड़ा बेंडिंग शेप देना चाह रहा था, लेकिन यहाँ हम बेंड करते करते इस ब्रांच को थोड़ा सा तोड़ दिए थे, ये रहा वो वाला।